आईपीएल 2019 के लीग स्टेजेस के फाइनल सैटरडे को देखने को मिले दो बेहद ही रोमांचक मैच। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराकर उनके प्लेऑफ में पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर दिया, तो वहीं दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। इन दोनों मैचेस में बने बेहद खास रिकॉर्ड्स, तो आइए डालते हैं उन पर एक नज़र। कल खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली के विकेटकीपर ऋषभ पंत के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। पंत आईपीएल के एक सीजन में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाले खिलाड़ी बन गए। 14 मैचों में पंत ने 23 डिसमिसल किए हैं, जिसमें से 17 कैच और 6 स्टंपिंग शामिल है। इसके साथ ही पंत ने कुमार संगकारा और दिनेश कार्तिक को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के ऑलराउंडर रियान पराग ने भी आईपीएल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। पराग आईपीएल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 17 साल 175 दिन की उम्र में ये कारनामा किया। इससे पहले संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ ने 18 साल और 170 से एक दिन कम की उम्र में अर्धशतक जड़ा था। दूसरे मैच में आरसीबी के यजुवेंद्र चहल ने भी एक खास रिकॉर्ड बनाया। चहल आरसीबी के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने, वहीं वह छठे ऐसे गेंदबाज भी हो गए हैं जिन्होंने एक टीम के लिए खेलते हुए 100 विकेट लिए हों। बल्लेबाजी में शिमरन हिटमायर और गुरकीरत मान के नाम चौथे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। दोनों के बीच 144 रनों की पार्टनरशिप हुई। इससे पहले डिविलियर्स और युवराज ने 2014 में चौथे विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की थी। आज आने के सुपर संडे को और दो रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। पहला मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में, तो वहीं शाम का मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। और इन दोनों मैचों के बाद पता चल जाएगा कि वो कौन सी टीम है जो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। लेकिन तब तक आप जुड़े रहिए vaakricket.com के साथ और हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें।